हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सब? मज़े में? घर पे सब ठीक है? ओके, तो क्या करना है ये कंडीशन में? सिर्फ घर पे रहना है, बाहर जाना नहीं है, और साथ में थोड़ी पढ़ाई भी करनी पड़ेगी ना। तो अक्षर स्कूल द्वारा मैं तृप्ति मेहता आपके लिए, मतलब स्टैंडर्ड फिफ्थ के लिए, चैप्टर नंबर 1 नंबर्स लेकर आ रही हूँ। तो उसे ध्यान से देखिए और समझिए। अक्षर स्कूल ने आपके लिए ही खास ये वीडियो बनाया है, तो इसे प्लीज़ देखिए, समझिए और इस पर वर्क कीजिए। चैप्टर 1 नंबर्स। नंबर्स आप थर्ड फोर्थ में भी पढ़ चुके हो, अभी मुझे आपको नंबर क्या होते हैं ये समझाने की ज़रूरत नहीं होती। पर आप थर्ड एंड फोर्थ में कहाँ तक सीखे थे? 100 और 1000। पर अभी आप हायर स्टैंडर्ड, दैट मीन्स फिफ्थ में आ गए हो, तो फिफ्थ में आपको 100 वंस, 10s, 100,000, 10,000, लैख, 10 लैख, करोड़ तक के नंबर आएंगे। सो उसके लिए आपको मेंटली रेडी रहना पड़ेगा। सो वंस के प्लेस पर है तो कोई जीरो नहीं लगेगा, 10s के प्लेस पर 1 0, 100 के प्लेस पर 2 0, 1000 के प्लेस पर 3 0, 10,000 के पर प्लेस पर 4 0, ऐसे ही लैख, 10 लैख, करोड़ की प्लेस वैल्यू हम सीखेंगे। तो पहले आपको मैं एक चार्ट दिखा रही हूँ, उसे देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। देखिए यहाँ वंस से स्टार्ट किया है, वंस के प्लेस में यहाँ से कितने का ग्रुपिंग होगा? 3 का। कौन कौन से नंबर एक साथ बोले जाएंगे? वंस, 10s एंड 100। देन 1000 के प्लेस में 2 का ग्रुपिंग किया है, 1000 एंड 10,000। देन लेख के ग्रुप में लेख एंड 10 लेख का ग्रुपिंग किया है, करोड़ के ग्रुप में करोड़ एंड 10 करोड़ का ग्रुपिंग किया है। दैट मीन्स पहला 3 नंबर है वो, देखिए नीचे देखिए, पहले 3 नंबर 2, 1, 3 वो वंस के ग्रुप में आएंगे, दूसरे 2 नंबर है वो 1000 के ग्रुप में, और तीसरे 2 नंबर है वो लेख के ग्रुप में, और लास्ट जो बचा है वो करोड़ के ग्रुप में आएंगे। तो आप इससे कैसे नंबर को बोलना है वो समझ सकेंगे। तो एक और चार्ट देखिए, एक एग्जांपल है 2, 3, 5, 4, 0, 2, 9, 5 इनटू पीरियड। ऑल्सो मेक द प्लेस वैल्यू चार्ट एंड राइट द नंबर नेम। तो मैंने प्लेस वैल्यू चार्ट देखो आपको यहाँ दिखाया है, वंस, 1000, लेख एंड करोड़। बराबर है, समझ में आ रहा है सबको? वंस के प्लेस पर क्या है? 5, 10s के प्लेस पर 9, 100 के प्लेस पर 2, 1000 के प्लेस पर 0, 10,000 के प्लेस पर 4, लेख के प्लेस पर 5, 10 लेख के प्लेस पर 3 और